नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के उधम सिंह गाँव में लगा अद्भुत कैंप। एक तरफ जहां राज्य सरकार ग्रामीणों को शीघ्र सुलभ एवं पूर्णतया न्याय दिलाने एवं तरह तरह की शिकायतों को सुनकर उनका निवारण करने के लिए आए दिन समय समय पर तरह तरह के अभियान चलाती है, जिसमें एक अभियान सरकार जनता के द्वार जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश पर पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव मंडवाखेड़ा से एक खबर सामने आ रही है, जिसमें एक अद्भुत कैंप का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में किया गया तथा इसका प्रभाव उल्टा दिखाई दिया, जिसका जीता जागता एवं स्पष्ट उदाहरण आपके सामने है, जिसमें गाँव की मुखिया सीमा देवी पत्नी उदयवीर सिंह कैंप में न आकर मौके से फरार नजर आई तथा उनकी जगह उनके ससुर ओम प्रकाश सिंह कैंप में पहुंचे और खुद ही गांव की समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी तथा वही पूरे गांव से चंद पांच व्यक्ति ही कैंप में पहुंचे और अपनी समस्या बताए। इस प्रकार कैंप में कुल 20 समस्याएं दर्ज हुई, जिसमें 15 समस्याएं अकेले ग्राम प्रधान के ससुर द्वारा दर्ज कराई गई तथा शेष 5 समस्याएं ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराई गई तथा इस प्रकार प्रधान की जगह उनके ससुर का कैंप में पहुंचकर शिकायतें दर्ज कराना और ग्राम पंचायत में लिए गए निर्णय तथा विकास के कार्य एवं अन्य कार्य में गलत प्रभाव डालता है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा इसी कारण गांव में विकास कहीं से कहीं धरातल पर नहीं नजर आ रहा है। वही इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कैंप प्रधान द्वारा ग्रामीणों को बिना सूचित करे एवं बिना बताए लगाया गया है, जिसमें ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं रखने से वंचित रह गए। इस प्रकार गांव विकास की तरफ ना जाकर विनाश की तरफ अग्रसर हो रहा है और इससे पहले भी कई कैंप सरकार द्वारा गांव में लगाए गए, लेकिन ग्रामीणों को ना तो पहले भी बताया गया और ना ही इस बार बताया गया है। वही सहायक खंड विकास अधिकारी समाज कल्याण विभाग राजेंद्र अवस्थी ने बताया कि गांव मधवाखेड़ा में सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें कुल 20 समस्याएं दर्ज हुई जिनको नोट कर लिया गया है तथा उसी हिसाब से आगे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। यहाँ पे जो है RWD की एक टीम आई, उन्होंने जो है हमारे यहाँ पे पंचायत में आकर के जो समस्या है रास्ते संबंधित हैं या कोई जैसे पंचायत घर किससे संबंधित है, कोई भी मतलब विकास के बारे में वो समस्या पूछ रहे थे, तो सर मैंने उनको जो है एक हमारा ये बहादुरपुर मंडवाखेड़ा और मंझरा हमारी पंचायत के 3 गांवों को जोड़ती है और वहाँ के जो किसानों का भी वो रास्ता है और 3 गांवों का भी रास्ता है, तो उस रास्ते का मैंने प्रस्ताव दिया है कि सर ये जो है करीब 600-700 मीटर का ये रास्ता बन जाए, ये 3 गांवों का जो एक रास्ता है जो बरसात में बहुत ख़राब हो जाता है, ये रास्ता बन जाएगा तो सभी किसानों का इसमें जो है हित के बारे में सर और सभी का भला हो जाएगा। सर मैं तो इधर से निकल रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है और RWD की यहाँ गाड़ी खड़ी है, तो उसको देख के मैं आया तो यहाँ पे वो उसको सुझाव मांग रहे थे, मैंने उसका जो है सुझाव दिया। मैं सर डिफेंस से रिटायर हूँ मेजर पद से, सर मेजर हरपाल सिंह काम्बोज मेरा नाम है और मैं ग्राम पंचायत मंडवाखेड़ा में। मेरा कहना है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनहित में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं ग्रामीण समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए सभी ग्रामों में राजस्व ग्रामों में सरकार जनता के द्वार एवं रात्रि विश्राम के नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लगाई गई है और समस्त जो रेखी विभाग जितने भी विकास खंड स्तर पर कार्यरत हैं उनके प्रतिनिधि और जनता के बीच एक जो है समन्वय स्थापित करते हुए उस ग्राम पंचायत की समस्याओं को नोट करते हुए सीधे शासन स्तर तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। मैं आज हम इस ग्राम में मंडवाखेड़ा में एक कार्यक्रम था तो यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याएं बताई गई, जैसे मूलभूत समस्या में हमें देखने में आया कि जो पंचायत घर यहाँ पर बनाया गया है पूर्व में लगभग 2005 में उसका निर्माण हुआ होना बताया गया और वो उसका स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया गया कि वो ध्वस्त हो चुका है और जिसका पुनर्निर्माण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रस्ताव हमने लिखा है, वो संबंधित विभाग यानी DPRO कार्यालय को भेजा जाएगा। इसमें तो मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा, हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध कराई गई थी। आज एक तो 18 तारीख में तहसील दिवस भी था और उसमें जिलाधिकारी महोदय का कार्यक्रम था, सभी अधिकारीगण वहाँ भी उपस्थित रहे दिन भर और गांव में भी सूचना उचित माध्यम से समय पर पहुँचा दी गई थी। अब ये गांव की समस्या है कि गांव के लोग
पर्याप्त संख्या में क्यों नहीं आ पाए, इस संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ?